इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेरठ गढ़ आउटर रिंग रोड के प्लान के बारे में। काफ़ी लोग हमारे जो यूट्यूब से जुड़े हुए सदस्य हैं, काफ़ी समय से वो बोल रहे हैं कि जो 40 किलोमीटर का एक आउटर रिंग रोड मेरठ से गढ़ तक बनाया जा रहा है, उसमें आने वाले सभी गाँव के बारे में हमें बताइए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वैसे तो मेरठ से गढ़ तक 36 गाँव इसमें शामिल किए जाएंगे, और अभी हम उसकी जानकारी प्राप्त करने में लगे हुए हैं। नेट पर अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, और अब हमने एडीएमएल जो मेरठ के हैं उनसे भी हमने टाइम लिया है। जल्द ही हम इस आउटर रिंग रोड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन और सभी गाँव के बारे में, वैसे तो गाँव के अंदर जिन गाँव से होकर गुजर रहा है ये मेरठ गढ़ आउटर रिंग रोड, वहाँ पर सर्वे प्रारंभ कर दिए गए हैं, और पेड़ पौधों के भी वहाँ पर सर्वे है, और सूचना मिली है कि जनवरी के माह में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। दोस्तों, अब हम प्लान की बात करते हैं। इस मेरठ गढ़ मुक्तेश्वर का प्लान क्या है? मेरठ शहर से जाम मुक्त करने के लिए ये प्लान बनाया गया है, और आपके मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत हुई है, और इस प्लान को लेकर मेरठ की व्यवस्था और ट्रैफिक को दूर करने के लिए इस आउटर रिंग रोड को बनाया जा रहा है। अब हम प्लान के बारे में जो बता रहा हूं आपको, मेरठ से गढ़ तक NH 709A का निर्माण हो रहा है, और सिसोली गांव से हाईवे NH 119 मेरठ पौड़ी तथा NH 235 मेरठ हापुड़ को आपस में जोड़ेगा। दूसरा, मोहाना रोड पर सलारपुर तथा हापुड़ रोड पर सकरपुर गांव को जोड़ेगा ये आउटर रिंग रोड। NH 58 को प्रतापपुर तिराहे को जोड़ेगा आउटर रिंग रोड मेरठ से गढ़ वाला, और चुड़ियाला गांव में इंटरचेंज बनाकर हापुड़ रोड NH 235 को जोड़ा जाएगा। ये मास्टर प्लान है आउटर रिंग रोड का। इस बेस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, और जल्द ही हम इंफॉर्मेशन जैसे ही हमें मिलेगी गांव की, और हम जल्द ही इसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बाद में फिर हम जल्द ही फील्ड में आ रहा हूं मैं, और फील्ड में आकर कई गांवों में सर्वे हुआ है, वहां पर आने के बाद मैं पता लगाऊंगा और कौन कौन कंपनी इसमें कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी उनसे भी खास बातचीत की जाएगी। जो भूमि अधिकरण है या एडीएमएलए अधिकारी है मेरठ, उनसे भी इसके ऊपर बातचीत कर जब आपको हम जल्द ही जानकारी उपलब्ध करा देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।